न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं अमरदीप चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। आज हम आए सेंधवा विकास खंड के आदिवासी बालक आश्रम बरला में, जहां पर बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, खुद के हॉस्टल में शौचालय तक का बच्चे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय पूरी जर्जर अवस्था में है और बच्चे जो है दूसरे छात्रावास में जाकर शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को जो है देश का भविष्य माना जाता है और उस देश के भविष्य ही जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आदिवासियों को लेकर के बड़े बड़े दावे, सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती यहां पर दिख रही है और आदिवासियों को लेकर के जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती है वो यहां पर केवल कागज़ पर दिखती नज़र आ रही है। जी हां, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भवन, इसमें जो है काफ़ी बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में जो है पानी गलता है और पीछे की जो दीवारें हैं वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। शौचालय जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। और इसको लेकर के हॉस्टल अधीक्षक का क्या कहना है और साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? बाथरूम नहीं है? हाँ, पानी की साजन नहीं, टूटा फूटा है बाथरूम। हाँ। तो अभी सोच के लिए कहाँ जाते हो? बड़े हॉस्टल में जाते हो? हाँ। सर को बताया कभी? हाँ। क्या बोलना पड़ा सर का? बड़े हॉस्टल में जाना बोला। हाँ। अच्छा, सर ने कभी कहीं दूसरे अधिकारियों को बताया नहीं बताया? बताया है। हाँ। अच्छा, और क्या समस्या आ रही? दीवार टूटा है, कभी भी गिर जाएगा। दीवार? हाँ। टूटने वाली है ऐसा? हाँ। ठीक है, नाम आपका? मेरा नाम अनसिंह नाव है। अच्छा, आपके हॉस्टल में जो है शौचालय की काफ़ी हालत ख़राब है। तो आपने इसके बारे में किसी को संबंधित मैंने अधिकारी को दी, सूचना कर दी। किन किन अधिकारियों को आपने सूचित? विकासखंड शिक्षा। अच्छा, कब करवाया था आपने? होगा तो दो तीन बार दे चुका हूँ। दो तीन बार दे चुके हैं, क्या कहना पड़ा उनका? बोले देखो, अब हमने दे मांग कर रखी है, हो जाएंगे, वरिष्ठ कार्यालय को दिया। अच्छा, तो अभी बच्चे शौचालय में शौच के लिए कहाँ जाते हैं? ये परिसर में है सीनियर हॉस्टल, उसमें अभी मतलब फिलहाल हालत देखते हो, वहाँ पहुँचा रहा हूँ। दूसरे हॉस्टल में बच्चे जाते हैं? मतलब सीनियर छात्रावास है अपने परिसर में है। हाँ हाँ, मतलब दूसरे हॉस्टल ही है ना? हाँ, दूसरे हॉस्टल सीनियर। कितनी बार अवगत करा दिया आपने जो अधिकारियों को? कम से कम तीन चार बार करवा दिया सर। अच्छा।